What's up guys? good morning to everyone. I'm Sudesh. So, today lecture, business arc and affairs. Welcome to study mission. I have to all of you well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन आया, सीखने को और जानने को मिलता है आज के करंट अफेयर्स से. आइए सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को. जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वहीं अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं. तो अपने आप पर विश्वास करिए, अपने कदमों की जो काबिलियत है उस पर विश्वास करिए, आप अवश्य सफल होंगे. तो अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हो. आइए क्वेश्चन फर्स्ट बढ़ते हैं. 17 फरवरी का यह लेक्चर. क्वेश्चन फर्स्ट है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.4%. जी हाँ, अभी इंडिया का रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है वित्त वर्ष 2022 में भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, यह 10.4% रहने वाली है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किस राज्य सरकार ने गरीबी को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरुआत किया है? एक माँ के नाम पर योजना शुरुआत किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा गरीब को मुफ्त 5 रुपये में केवल भोजन प्राप्त किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेघना पंत. अभी मेघना पंत जी के द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज का नामक पुस्तक लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर फोर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश. जी हाँ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया गया है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस देश ने कार्गो स्पेस क्राफ्ट प्रयोग 77 को लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है. सिक्स क्वेश्चन है, किस राज्य ने COVID-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है? तो बिहार. अभी बिहार राज्य सरकार ने COVID-19 के जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं उस वैक्सीन को लगाने के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य होगा. बिना आधार कार्ड के आप बिहार स्टेट से हैं तो COVID-19 के टीकाकरण नहीं हो सकता है. 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में. HCL टेक्नोलॉजी के साइबर सुरक्षा व क्षेत्रीय सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो IIT कानपुर. खादी के उत्पाद में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%. यह माना जा रहा है 29% का जो खादी उत्पाद है यह बढ़ गया है. राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू किया जाएगा. सो ये रहा आज का क्वेश्चन. सो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे आज के क्वेश्चंस को. सो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया. सो यू कैन गो हियर एंड फॉलो मी. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. जय हिंद. आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग कल का करंट अफेयर्स.